Women. In the early Vedic age, women enjoyed an honored place in the society. The wife was the mistress of the household and authority over the slaves. तो जो अर्ली पीरियड में है, जो अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन होती थी, उनको बहुत ही ऑनरिंग प्लेस दिया जाता था सोसाइटी में और उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी. द वाइफ वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस होल्ड एंड अथॉरिटी ओवर द स्लेव्स. जो घर के काम होते थे उन सारी की वो मेन हेड होती थी बेसिकली. इन ऑल रिलीजियस सेरेमनीज सी पार्टिसिपेटेड विद हर हस्बैंड. तो रिलीजियस सेरेमनी होती थी वो सारे में वो पार्टिसिपेट करती थी. किन के साथ? अपने हस्बैंड के साथ पार्टिसिपेट करती थी. पर्दा सिस्टम वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी. सो पर्दा सिस्टम जो थी वो उस टाइम पे नहीं चल रही थी और सती सिस्टम भी उस टाइम पे नहीं चल रही थी. द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वॉज नॉट नेग्लेक्टेड. द ऋग्वेदा मेंशंस द नेम ऑफ सम लर्न्ड रेजीज लाइक विश्ववाड़ा अपला एंड घोसा हु कंपोज मंत्र एंड अटेन द रैंक ऑफ ऋषिज. तो जो एजुकेशन थी गर्ल की वो भी नेग्लेक्ट नहीं की जाती थी. गर्ल को भी एजुकेशन मिलता था इन द अर्ली वैदिक पीरियड. और ऋग्वेदा में जो है कई लर्न्ड लेडीज़ के बारे में मेंशन है, जैसे कि विश्ववाड़ा अपला एंड घोसा, जिन्होंने ऋषि का रैंक हासिल किया था. द गर्ल्स वर मैरिड आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी. द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी एंड मोनोगोमी गैमी वॉज द जनरल प्रैक्टिस. सो स्वयंवर उस टाइम प्रैक्टिस होता था. दैट मीन्स कि एक लेडी को अपने हस्बैंड चुनने का हक होता है. Polygamy was of course practiced and it was confined only to rings and chiefs. So जो polygamy हो वो practice होता था और ये सिर्फ kings और chiefs के लिए जो है वो limited रहता था. Remarriage of widows was permitted. एक विधवा को दोबारा शादी करने की permission होती थी. The women were not independent persons in the eye of law. But इन सारी चीज़ों के बावजूद जो थी, जो लेडीज़ होती थी वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी और उनको मेल रिलेशन जो उनके या तो फादर या तो ब्रदर या फिर हस्बैंड, उनके प्रोटेक्शन में रहना पड़ता था. फूड. सो द आर्यंस आर एट बोथ वेजिटेबल्स एंड एनिमल फूड्स. राइस पार्ली बीन्स सिसमम फॉर्म द स्टेपल फूड. जो आर्यंस थे वो वेजिटेबल और एनिमल फूड पे बेसिकली रहते थे और वो सारी चीज़ें खाते थे. दे ऑल्सो एट ब्रेड केक मिल्क घी बटर एंड कर्ड टुगेदर विद फ्रूट्स. तो फ्रूट्स के साथ साथ वो सारी चीज़ें खाते थे जो एनिमल प्रोवाइड करती हैं. फिश बर्ड्स गोट्स राम्स बुल्स एंड हॉर्सेज वर स्लॉटर्ड फॉर देयर फूड. स्लॉटर ऑफ काउ वॉज प्रोहिबिटेड. जो काउ थी उसके वो प्रोहिबिटेड थे. बाकी फिश बर्ड्स गोट्स ये सारी चीज़ें अलाउड थी. दे ऑल्सो ड्रैंक इंटॉक्सिकेटिंग लिकर नोन एज सूरा अ ब्रांडी मेड फ्रॉम कॉर्न एंड बार्ली एंड द जूस ऑफ सोमा प्लांट. ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स. द आर्यंस वोर ड्रेसेज मेड फ्रॉम कॉटन वूल एंड डियर स्किन. द गारमेंट्स कंसिस्टेड ऑफ थ्री पार्ट्स एंड अंडर गारमेंट कॉल्ड निवी अ गारमेंट कॉल्ड वसा और द परिधान एंड अ मेंटल नोन एज अधिवसा अटका और ड्रोपी. सो जो आर्यंस थे वो जो कॉटन और वूल या फिर डियर स्किन के क्लोथ्स पहनते थे बेसिकली और उनकी गारमेंट्स जो थे वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे. द गारमेंट्स वर ऑल्सो एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड एंड बोथ मैन एंड वुमेन वोर गोल्ड ऑर्नामेंट्स. तो जो गारमेंट्स थे वो क्या थे, वो गोल्ड उन पे गोल्ड का काम किया होता था और जो मैन और वुमेन हैं वो दोनों ही गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते थे. द वुमेन यूज्ड ईयरिंग्स नेकलेस बैंगल्स एंकलेट्स. तो जो वुमेन थी वो ईयरिंग्स पहनती थी, नेकलेस पहनती थी, बैंगल्स और एंकलेट्स भी पहना करती थी. दीज ऑर्नामेंट्स वर समटाइम्स स्टडेड विथ प्रीसियस स्टोन्स. ये सारे जो ऑर्नामेंट्स होते थे उनमें कई बार ऐसा होता था कि प्रीसियस स्टोन्स दिए हुए होते थे. बोथ मैन एंड वुमेन ऑयल्ड एंड कॉम्ब देयर हेयर विथ वॉर प्लेटेड और ब्रेडेड. जो थी दोनों के बाल लंबे होते थे बोथ मैन एंड वुमेन के और वो लोग कंघी करके चोटी बना करके रखते थे बेसिकली. द मैन केप्ट बियर्ड एंड मॉस्टेज बट समटाइम्स ऑल्सो शेव्ड देम. सो एंटरटेनमेंट. ऋग वैदिक पीरियड स्पेंट देयर लीजर टाइम इन वेरियस अम्यूजमेंट्स लाइक गैम्बलिंग वॉर डांसिंग चैरियट रेसिंग हंटिंग बॉक्सिंग
डांसिंग एंड म्यूजिक. ऋग्वेदिक पीरियड में जो भी खाली का समय होता था जो आर्यंस थे वो लोग इंजॉय करके बेसिकली अपने एंटरटेनमेंट में बिताते थे, जिसमें डांस, म्यूजिक, बॉक्सिंग, फिजिकली वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे. वेमेन डिस्प्लेड देयर स्किल इन डांसिंग एंड म्यूजिक. थ्री टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पर्सक्यूशंस, स्ट्रिंग एंड विंड वर यूज्ड बाय द सिंगर्स. रिलीजियस लाइफ.